गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम मीनू माथुर विथ ऑल ऑफ यू फ्रॉम डीएवी पब्लिक स्कूल सीकर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट इंग्लिश का चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है हेक्टर ह्यूमिंगबर्ड और इसका हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है ये बताया जा चुका है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में इसके वर्ड मीनिंग है और पार्ट थ्री में इसका जो आगे वाला चैप्टर है। हमने अब तक क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि जो हेक्टर था उसने क्या देखा था, उसने पेड़ पर बैठे हुए देखा था कि राजा, रानी और राजकुमारी जो है वो क्या कर रहे थे, पिकनिक मनाने के लिए आ चुके थे। अब हम देखते हैं आगे क्या होता है। हेक्टर वॉच्ड फ्रॉम ए ट्री एज अ पिकनिक कंटिन्यूड विथ फुटमैन सर्विंग अ ह्यूज अरे ऑफ ट्रीट्स एंड टिडबिट्स। तो इसमें बताया कि हेक्टर जो था उसने क्या क्या कर रहा था, वॉचिंग कर रहा था, मतलब कि ध्यान से देख रहा था पेड़ को। पेड़ से हेक्टर जो था उसने देखा, पेड़ से क्या देखा कि पिकनिक जो थी वो कंटिन्यू थी, मतलब पिकनिक जो थी कंटिन्यू चल रही थी विथ फुटमैन सर्विंग। जो फुटमैन मतलब सोल्जर, ये जो उसके क्या थे, राजा के जो सिपाही थे, वो क्या कर रहे थे, सर्व कर रहे थे अ ह्यूज एरे ऑफ, बहुत बड़े सारा अरेंजमेंट किया गया था किसका, ट्रीट्स का, मतलब बहुत बड़ी दावत का अरेंजमेंट किया गया था। एंड टिडबिट्स क्या होते हैं, टिडबिट्स होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें बीच बीच में उनको खाने के लिए दी जाती हैं। जैसे आप भी कहीं पर जाते हो खाना खाने के लिए, तो खाने के साथ आप भी बहुत सारी चीज़ें खाते हो ना, जैसे आप जाते हो चाट खाने के लिए, ठीक है, कभी पताशी खाने के लिए। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं क्या कहलाती है, टिडबिट्स कहलाती हैं, ये होती हैं टिडबिट्स। तो उसने ये देखा कि यूज़र ऑफ ट्रीट्स एंड टिडबिट्स जो था वहाँ पे चल रहा था। अदर सर्वेंट्स फ्लिटेड अबाउट मेकिंग श्योर एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर द रॉयल फैमिली। अदर सर्वेंट्स जो थे वो लगभग क्या कर रहे थे, फ्लिटेड क्या होता है, फुर्ती से उड़ना, ठीक है, मतलब वो लगभग उसी तरह से उड़ रहे थे, मतलब चल रहे थे उसी तरह से। फ्लिटेड क्या होता है, फुर्ती से, ठीक है, फुर्ती से चल रहे थे जैसे कि। और वो क्यों फ्लिटेड कर रहे थे, क्योंकि वो ये पक्का करने की कोशिश कर रहे थे कि एवरीथिंग वॉज परफेक्ट फॉर द रॉयल फैमिली, कि भाई रॉयल फैमिली आई हुई थी। रॉयल फैमिली क्या होती है, राजा की जो फैमिली होती है वो रॉयल फैमिली कहलाती है, बहुत बड़ी फैमिली होती है, ठीक है, वो रॉयल फैमिली कहलाती है। जो रॉयल फैमिली थी उसके लिए क्या करना था, हर चीज़ जो थी ये पक्का करना था कि भाई परफेक्टली वो चीज़ हुई है नहीं, अरेंजमेंट जो है वो सही हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो लगभग क्या, अदर सर्वेंट्स फ्लिटेड अबाउट, अदर सर्वेंट्स जो थे वो फुर्ती से चल रहे थे ये पक्का करने के लिए कि एवरीथिंग जो है वो परफेक्ट हुई है या नहीं हुई है फॉर द रॉयल फैमिली के लिए। हेक्टर चकल्ड, अभी हेक्टर जो था, हेक्टर हमिंगबर्ड जो था वो चकल्ड मतलब होता है धीरे से हंसा। द सर्वेंट्स वर जस्ट लाइक हमिंगबर्ड्स। अब वो क्यों हंसा होगा, क्योंकि वो उन सर्वेंट्स को देख करके हंसा कि जो सर्वेंट्स थे वो लगभग हमिंगबर्ड्स की तरह, वो क्या कर रहे थे, हमिंगबर्ड की तरह थे, डार्टिंग हियर एंड देयर, जो क्या कर रहे थे, डार्टिंग मतलब भी होता है कि फुर्ती से जा रहे थे, हियर एंड देयर, इधर उधर, एवरीवेयर, हर कहीं पे वो फुर्ती से जा रहे थे। क्यों, क्योंकि उन्हें क्या करना था, ये श्योर करना था कि एवरीथिंग जो है वो परफेक्ट हुई है या नहीं, हर चीज़ जो है वो सही है या नहीं हुई है, अरेंजमेंट करने के लिए वो इधर से उधर जा रहे थे। तो वो ये देख कर के हंस रहा था, धीरे से उसको हंसी आ गई थी कि देखो ये भी मेरी तरह ही फुर्ती से उड़ रहे हैं, हमिंग बर्ड तो नहीं है बट फिर भी ये इस तरह से चल रहे हैं। एवरीबडी वॉज हैविंग अ वंडरफुल टाइम, हर कोई जो था उसका एक वंडरफुल टाइम था, अनटिल द क्वीन लुक्ड अप इनटू द ट्रीज एंड स्क्रीम्ड। वंडरफुल टाइम था मतलब कि हर कोई जो था उसको बहुत ही अच्छा टाइम उसका बीत रहा था, क्योंकि वो पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, ट्रीट्स एंड टिडबिट्स चल रही थी, तो उनका एक वंडरफुल टाइम था। और वो कब तक था, जब तक कि राजा जो था, रानी जो थी, उसने देखा ट्रीज़ के अंदर से एंड स्क्रीम्ड और वो जोर से चीखी, मतलब उसके बाद कोई वंडरफुल टाइम नहीं रहा, जब तक तब तक ही था जब तक कि रानी जो थी उसने एक चीज़ देखी जिसको देख करके, ट्रीज़ में ऐसा क्या देखा था जिसको देख करके वो चीखी थी।
माई बेबी शी क्राइड, उसने देखो ऊपर ट्रीज़ में देखा था और वो चीखी थी, तब उसने ऐसा क्या देखा था जिसको देखकर वो चिल्लाई थी कि वो बोली माई बेबी शी क्राइड, कि वो बोली माई बेबी चिल्लाई वो माई लिटिल गर्ल, एवरीबडी लुक्ड अप। जब उसने ऐसा देखा कि भाई वो जो रानी थी वो ऊपर देख कर के क्या कर रही थी, चिल्ला रही थी, तब सभी ने ऊपर देखा, एवरीबडी लुक्ड अप, सभी ने ऊपर देखा। While they had been so busy picnicking, the princess had climbed high up into a big old oak tree and was on a branches for far above the ground. तो देखो उस टाइम क्या हुआ था कि while they had been so busy picnicking, जब राजा रानी और जो ये राजकुमारी थे ये बिज़ी थे, सो बिज़ी पिकनिक, जब वो बहुत ज़्यादा पिकनिक एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम क्या हुआ, द प्रिंसेस हैड क्लाइम्ड, प्रिंसेस जो थी वो चढ़ गई थी हाई अप, मतलब बहुत ऊंची, इनटू ए बिग ओल्ड ओक ट्री, एक ओक ट्री था उसके ऊपर वो चढ़ गई थी, एंड वॉज ऑन ए ब्रांच फार अबाउ द ग्राउंड, और वो कहाँ पर थी, एक डाली पर, उसने देखा था कि एक डाली पर थी, फार मतलब दूर, अबाउ द ग्राउंड बहुत दूर थी, अबाउ द ग्राउंड ग्राउंड से मतलब ज़मीन से वो बहुत ज़्यादा ऊंची, उसको देख लिया था उसने। अब वो बोली कि सेव माई डॉटर, कमांडेड द किंग, अब जो राजा था उसने कमांड दी, आदेश दिया, क्या कहा कि भाई मेरी बच्ची को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। बट जस्ट एज हिज मैन ran towards the tree, the princess slipped. लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही उसके आदमी, जो राजा के आदमी जो थे, वो दौड़े towards the tree, पेड़ की तरफ दौड़े, तो प्रिंसेस जो थी वो slipped, मतलब वो फिसल गई। ये किसने आदेश दिया था, राजा ने ये आदेश दिया था कि भाई मेरी बच्ची को बचाओ, और जैसे ही वो दौड़े थे बचाने के लिए पेड़ की तरफ, तो प्रिंसेस जो थी वो फिसल गई। Grabbing the branch with her hands, अपने हाथों से ब्रांच को पकड़े हुए, she danced helplessly. वो जो उसकी डॉटर थी वो उसने क्या किया, helplessly वो झूलती रही, danced मतलब होता है हवा में झूलना, up in the air. She couldn't hold on very long and would surely fall. वो उसने ये सोचा हेक्टर ने कि ये जो है ये लंबे समय तक उसको पकड़ नहीं पाएगी और श्योरली वो क्या करेगी, गिर जाएगी। सडनली द क्राउड गेस्ट, अचानक जो भीड़ थी उसने क्या किया, मतलब कि वो आश्चर्यचकित होकर के और इकट्ठी हो गई भीड़, जब कुछ हो जाता है ना, तो सांस रोक करके खड़े हो जाते हैं ना कि अरे अब क्या होगा क्या होगा, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि ये अभी गिर जाएगी। सडनली द क्राउड गेस्ट मतलब अचानक भीड़ जो थी वो सांस रोक करके खड़ी हो गई और वो आश्चर्यचकित होकर के देखती रही। देयर वे अप इन द ट्री वॉज अ हमिंग बर्ड पुलिंग द प्रिंसेस बाय द ड्रेस बैक ऑन टू द ब्रांच। और सडनली उनको क्या दिखाई दिया, उनको ये दिखाई दिया कि देयर वे अप इन द ट्री, वहाँ पर उनको पेड़ पर एक हमिंग बर्ड दिखाई दिया जो कि क्या कर रहा था, प्रिंसेस की ड्रेस को पकड़ करके वो क्या कर रहा था, खींच रहा था, पुलिंग द प्रिंसेस बाय द ड्रेस, ठीक है, मतलब कि वो प्रिंसेस को तो नहीं पकड़ सकता था लेकिन उसने क्या किया, प्रिंसेस की जो ड्रेस थी उसको पकड़ करके वो खींचने की कोशिश कर रहा था, मतलब हमिंग बर्ड जो था उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। हेक्टर पुल्ड एंड पुल्ड, हेक्टर जो था उसने उसकी जो ड्रेस वो खींचने की कोशिश कर रहा था, एंड हिज विंग्स ह्यूम्ड ह्यूम्ड, और उसके जो पंख थे वो क्या थे, बिल्कुल हल्के थे, मतलब वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हल्का था। बट द प्रिंसेस वॉज टू हैवी, लेकिन जो प्रिंसेस थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा हैवी थी। ही कुड फील हर स्लीपिंग एज हर ग्रिप ऑन द ब्रांच फेल्ड, ही कुड फील हर
स्लीपिंग। वो क्या कर सकता था, जो हेक्टर था उसको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे क्या हो गया हो कि वो स्लिप करेगी, मतलब वो फिसल जाएगी जैसे ही उसकी ग्रिप छूटेगी ब्रांच के ऊपर से। जैसे ही मतलब उसकी उसने उस डाली को पकड़ रखा था, ब्रांच को पकड़ा हुआ था, और जैसे ही उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी, उसकी जो ग्रिप ढीली हो जाएगी, वैसे ही लूज़ हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, उसने ये महसूस किया कि ये जो प्रिंसेस है नीचे गिर जाएगी। देन और उसी टाइम क्या हुआ कि देन अ वॉइस साउंडेड इन हिज ईयर, तब उसके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी। अब वो देखो क्या आवाज़ सुनाई दी उसको, हेक्टर को, जो हेक्टर हमिंग बर्ड था उसको यह आवाज़ सुनाई दी कि ही हु इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मस्ट बी स्मार्ट इनफ। अब इस पर ध्यान देना, उसने कहा था कि वो जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, ही हु इज़, ये हु इसलिए इसमें लिखा हुआ है क्योंकि आवाज़ जो थी ये सुनाई दी थी, गूंज रही थी, इसलिए इसमें WHOO इसमें लिखा हुआ है हु इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, कि वो जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता उसे क्या होना चाहिए, मस्ट बी स्मार्ट इनफ, उसे ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, ये आवाज़ उसको आई थी। तो ये आपको चैप्टर जितना आपको पढ़ाया ये आपके समझ में आ गया होगा और ये स्टोरी आपको अच्छी भी लगी होगी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन सेंड मैसेज और कॉल ऑन स्कूल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू सो मच।